नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS Computing Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की लगातार सीरीज चल रही है और हमने लगभग 20 क्लासें अभी तक आधुनिक इतिहास में ली हैं, जो प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए आधुनिक इतिहास आपकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। भारत का आधुनिक इतिहास के नाम से वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। हमने आधुनिक इतिहास को बिल्कुल क्रमबाई, यानी किस तरीके से, जिस तरीके से एक माला पिरोते हैं मोती बाई मोती, इस तरीके से हमने आधुनिक इतिहास को बिल्कुल क्रम से एक तरीके से डाटा सेलेक्ट किया है। और यही क्रम आगे बढ़ते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेशन है। और अब ये सेशन जो है ना, बहुत जानदार होने वाला है, क्योंकि अब आगे की जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों में कुछ बच्चों का योगदान जो है अधिक दिखता है, क्योंकि जितनी परीक्षाएं होती हैं इनमें क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत उम्मीद होती है। परंतु हम किसी भी, अगर नोटबुक से पढ़ते हैं या हम किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि किसी भी घटनाक्रम को ओपनली नहीं बताया जाता है। घटनाक्रम सभी दिए होते हैं परंतु ओपनली नहीं बताया जाता। उसी घटनाक्रम को ओपनली बताने के लिए मैं आपको एकदम आधुनिक इतिहास सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। देखिए, अब जो कहानी हम लास्ट टाइम जो बात कर चुके हैं, वो बात कर चुके हैं कांग्रेस की स्थापना को लेकर। और कांग्रेस की स्थापना के बाद हमने जो बात करी, वो बात करी थी गांधी युग की। गांधी युग मतलब गांधी जी के परिचय के बारे में बात करी थी। इससे पिछली वीडियो हमने यही बनाई थी। अब जो हमारा इतिहास होगा धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद और कांग्रेस की स्थापना के बाद, जब हमारा इतिहास शुरू होने वाला है आधुनिक इतिहास का, तो उसका जो नाम है, अब 1947 तक यही चलेगा, इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आगे का इतिहास जो है 1885 से लेकर हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। और इसके तीन चरण हम पढ़ेंगे, यानी कि इसको कितने चरणों में पढ़ेंगे, तीन चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चरण जो है, आपको पता होना चाहिए और कुछ लोगों को पता होता है कि 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण भी कहते हैं, उदारवादी चरण भी कहते हैं, नरमपंथी चरण भी कहते हैं, इसका द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण अगर हम देखें तो 1905 से लेकर 1919 तक माना जाता है, इसे उग्रवादी चरण, अतिवादी या गर्म दल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गर्म उग्रवादी भी, अतिवादी चरण भी कहा जाता है, और गर्म दल वालों का चरण भी इसको कहा जाता है। अंततः तृतीय चरण जो है वह कौन सा चरण है, इस चरण को हम 1919 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे, यानी कि स्वतंत्रता तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। और ये गांधीवादी चरण कह सकते हैं इसको, हिंसा व अहिंसावादी चरण भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं जो हिंसा के रूप में और बहुत सारी घटनाएं अहिंसा के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, या थोड़ा सा आपको बताता हूँ, यहाँ से बात थोड़ी सी बताता हूँ, वो बात है क्या। देखिए, बात यह है हमारी कि प्रथम चरण की कंडीशन क्या बनी, द्वितीय चरण की कंडीशन क्या बनी और तृतीय चरण की कंडीशन क्या बनी। हम बात उठाएंगे 1885 से लेकर अब तक, ठीक है। 1885 से लेकर हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इसे उदारवादी चरण कहा गया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ था। तो हम एक एक चरण करके बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर जो भी क्लास लें, तो वो सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक मतलब पेपर ज़रूर लेकर बैठें, जिससे कि आपको जो भी पॉइंट बात ऐसी लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बात आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत नोट करना, क्योंकि नोट करी हुई बातें जो होती हैं ना, वो अक्सर जो है हमारे याद रह जाती हैं। चलिए, तो हमारा पहला चरण है, जिसे हम कह सकते हैं उदारवादी चरण। तो बेटा, समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, और कब से कब तक की बात कर रहे हैं हम यहाँ, 1885 से लेकर 1905 तक की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1903 में हमारा द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था, जबकि तीन दिल्ली दरबार हुए थे, एक तो हुआ था 1877 में, सॉरी दूसरा हुआ था आपका 1903 में, और तीसरा जो हुआ था वो होता 1911 में। तीन दिल्ली दरबार थे, इनका भी कहीं ना कहीं रोल है। बात करेंगे, सबर करो, पूरी तरीके से बात करेंगे, एक एक बात करनी है, क्योंकि हमें बात संक्षेप में समझनी है, ए टू जेड बात समझनी है, और विस्तार से बात बताएंगे। और कुछ की पॉइंट हम पहले, टॉपिक हमारा एक पर्पज क्या होता है, सबसे पहली बात होती है पृष्ठभूमि, हमें उसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए, फिर दूसरा हमें कारण पता होना चाहिए, फिर तीसरा हमें उसकी भूमिका पता होनी चाहिए, क्या उसकी भूमिका रही, और चौथा जो है हमें इसका प्रभाव पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर हम सीख रहे हैं तो हमें चार बातों से पता होना चाहिए, और जब ये सारी बातें पता चल जाएँ
तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं जिसे हम कहते हैं MCQs या ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको बनाना भी हमसे आना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को बनाएंगे और किस तरीके से हम यहाँ से की पॉइंट निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक है। उदारवादी यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहते हैं इसको। पहली बात यह कि इसे क्या कहते हैं, इस चरण को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। आंदोलन का क्या कहते हैं इसको, प्रथम चरण कहते हैं बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। आंदोलन का प्रथम चरण इसी कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है यहाँ उदारवादियों का वर्चस्व रहा। दूसरी इसमें क्या बात है कि इसमें उदारवादियों का वर्चस्व रहा, क्या रहा, उदारवादियों का वर्चस्व रहा। समझिए इस बात को क्या होता, ठीक है। यानी कि इसमें मतलब यह था कि जब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ये भी एक मिली जुली एक प्लानिंग थी। वो क्या थी, अंग्रेजों ने यह सोचा था कि अगर कांग्रेस बनेगा तो जितने भी 1857 के विद्रोह के बाद के जितने भी ये छोटे मोटे झगड़े होते हैं ये कौन करते हैं, जिन लोगों को समझदारी होती, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों को, यानी उग्रता जो दिखा रहे हैं या जो हिंसक रूप दिखा रहे हैं, जिनको अच्छाई और बुराई में फ़र्क पता चल जाएगा। इस वजह से उन्होंने सोचा कि आप एक यूनिट बनाइए और अलग अलग अपने अधिकार न मांगते हुए, सीधी सीधी बात यह है कि आप जो है एकजुट होकर अपने अधिकारों को बताइए। भारतीयों को लग रहा था कि शायद सरकार में एंटर होने का या अपनी बात ब्रिटिश सरकार से मनवाने का एक सीधा रास्ता हो सकता है। तो उसमें जो लोग थे, अगर हम बात करें, वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, उदारवादियों का वर्चस्व में रहा। उदारवादी किन्हें कहते हैं, उदारवादी वो होते हैं जो उदार यानी कि नम्रता से प्रयोग करते हैं, जो प्रार्थना विनती से काम करते हैं। अब कंडीशन ये हुई कि यहाँ पर इसका जो प्रभाव है, अगर हम बात करें इसका जो प्रभाव था, प्रभाव जो देखने को मिला प्रथम चरण का, वह फिर शहरी और शिक्षित भारतीयों में, किस पर, शहरी व शिक्षित, शहरी व शिक्षित भारतीयों में देखने को मिला। इसका जो प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिला, शहरी लोगों पर देखने को मिला, शिक्षित लोगों को देखने मिला और भारतीयों को देखने को मिला। यानी कि यह अपना प्रभाव जो है महिला वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, कमजोर वर्ग, यानी कि ये लोग यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके, ठीक है। उस समय पर जो इस समय पर लोग नेता थे कांग्रेस के, यानी कि उस समय पर जो कांग्रेस के नेता थे किस समय पर, 1905 के समय तक, 1885, उन्हें क्या कहा जाता था, उदारवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता था, नरमपंथी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको, नरमपंथी कहा जाता था या उदारवादी कहा जाता था, ठीक है। इनका लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य ये था कि अनुमय, प्रार्थना, ठीक है, विनती, ठीक है, प्रतिवेदन या लेखों के माध्यम से, प्रार्थना, अनुनय करना, विनती करना, प्रार्थना करना, उन लेखों के माध्यम से अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से अपने मांगों को पूरा कराना, इनका लक्ष्य यह था। अंग्रेजों से अपनी बातों को मनमाना था या उनसे पूरा कराना था। इसमें जो लोग भागीदार थे वो कौन थे, वकील थे। लिखते रहने इसको, मेरी उम्मीद मत लिखना कि मैं भी बोर्ड पर लिखूँगा इन बातों को, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो शामिल थे वो वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, ठीक है, पत्रकार थे और साहित्यकार थे। यानी कि पढ़े लिखों का एक समूह था कांग्रेस इस टाइम तक। इसमें क्या कौन लोग शामिल थे, डॉक्टर थे, अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, यहाँ पर वकील थे, जो बड़े वकील थे, पत्रकार थे, इंजीनियर लोग जो थे वो सब लोग इसमें इस समय पर शामिल थे। मगर ये जो प्रथम चरण था पूरा उदारवादी चरण जो था, ये आम जनता पर प्रभाव नहीं छोड़ सका। क्या नहीं कर सका, आम जनता जो होती है, आम जनता की भावना, यानी कि आम जनता की भावनाओं को ये समझ नहीं सका। ये ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह दो, सारी बातों को गोली मारो, एक बात समझिए, ये जो उदारवादी चरण था ये आम जनता की आवाज़ ना बन सका। क्या नहीं बन सका, आवाज़ नहीं बन सका। आम जनता की आवाज़ मतलब कौन, महिलाएं, मजदूर, कृषक या जो निम्न तबके के जो जातियां थीं उनकी आवाज़ नहीं बन सका। कहीं ना कहीं यही कारण था क्योंकि इसमें सब लोग पढ़े लिखे थे, उच्च कोटि को बिलोंग करते थे, इसी चलते ये आम जनता की आवाज़ नहीं बन सका था।
और इसी समय पर अगर कौन थे वो पढ़े लिखे लोग, कौन थे, कई बार क्वेश्चन आता निम्न से कौन था उदारवादी नेता था और कौन था उग्रवादी नेता था, तो मैं आपको बता के चलता हूँ यहाँ पर कौन कौन लोग शामिल थे, उनका थोड़ा याद नाम रखना। दादा भाई नरोजी, पहला नाम क्या है, दादा भाई नरोजी, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते रहना हैंड टू हैंड। दादा भाई नरोजी हो गए, यहाँ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, कौन हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तीसरे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ जरा आम जनता वाले पोर्शन को, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए यहाँ से, ठीक है। फिरोज शाह मेहता हो गए। इसमें अगर पांचवें व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय हो गए, कौन हो गए, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। छठे व्यक्ति की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए, ठीक है। ये आदि लोग जो थे इस समय पर उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे, यानी कि कांग्रेस के प्रमुख नेता ये लोग थे इस समय। तो क्या एक बार रिकॉल करें, चलो रिकॉल करते हैं। उदारवादी चरण जो रहा वो 1885 से लेकर 1905 तक रहा, ठीक है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहा जाता है, उदारवादियों का इसमें वर्चस्व रहा, यानी कि नवपंथी लोग जो थे उनका यहाँ वर्चस्व रहा, पढ़े लिखे लोगों का जहाँ यो एक समूह था इस समय पर। अगर बात देखें तो प्रभाव जो है शहरी शिक्षित और भारतीयों पर पड़ा, भारतीय जो लोग थे पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग थे उन पर इनका प्रभाव पड़ा, ना कि ये चरण आम जनता का आवाज़ ये आम जनता की आवाज़ ये कभी नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था, क्योंकि इसमें सब उच्च कोटि के लोग थे। उच्च कोटि के लोग कौन कौन थे, जैसा मान लीजिए पत्रकार हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, ये सब उच्च कोटि के लोग थे, इस वजह से आम जनता की आवाज़ ये बन नहीं सका। और इनका जो लक्ष्य था वो ये था कि विनती प्रार्थना विनय करना, विनती करना प्रार्थना करना और आपकी अनुयाय पत्रों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को मनवाना था। सारी बातें याद रखिए, आगे कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, ये बातें आपको याद होंगी जब भी आगे पढ़ पाएंगे। अब इस समय पर बोलने था कौन थे जो पत्रकार वकील इंजीनियर या डॉक्टर और महान पत्रकार साहित्यकार थे वो कौन थे, तो उनमें कुछ के नाम ये हैं कि दादा भाई नरोजी उस समय पर थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये कुछ लोग थे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ एक क्वेश्चन डाला जाता है, यहाँ ऑप्शन डाला जाता है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा जो है नरमपंथी नेता नहीं है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलता है वो क्या मिलता है, पहला ऑप्शन मिलता है डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरा मिलता है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन मिलता है फिरोज शाह मेहता और चौथा विकल्प जो मिलता है अरविंद घोष मिलता है। कौन सा मिलता है, अरविंद घोष, तो अरविंद घोष इसमें नहीं है। अरविंद घोष जो थे वो कौन से थे, वो थे गर्म दल के नेता, बाल पाल तो थे ही थे, उनके साथ साथ अरविंद घोष भी कहते गर्म दल के नेता थे। सबको पता बाल पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल, ठीक, बाल गंगाधर तिलक और आपके लाल लाजपत राय, इन्हें तीन को याद रख पाते हैं, मगर अरविंद घोष को याद कोई नहीं रख पाता, तो ऑप्शन में वो यही चीज़ डालता है, समझ गए। नहीं, सही बात तो यह है कि आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए इसका, तो इतनी बात समझ के ये लोग थे इस कंडीशन में। आगे अगर हम बात करें तो कुछ उदारवादी नेताओं की एक और कड़ी क्या थी, उदारवादी नेताओं की कड़ी ये थी कि पहले अधिवेशन बुलवाते थे। उदारवादी नेता जो थे क्या करते थे, पहले अधिवेशन बुलवाते थे और उसमें कोई प्रस्ताव पारित करा देते थे और अंततः फिर जनता को बताने के लिए पत्रों में, समाचार पत्रों में बात को निकलवा देते थे, जिससे कि जनता को पता चल जाए। तो ये तो एक गलत पॉलिसी थी, क्योंकि जब आप जनता के लिए काम कर रहे हो, ये कुछ मेरे जैसे मैं आप सोच पा रहा हूँ, ऐसे उस समय पर भी कुछ लोग ऐसे सोच पा रहे थे कि भाई ये गलत पॉलिसी है कि पहले जनता के लिए जब तुम काम कर रहे हो, जनता की पार्टी है कोई, तो पहले जनता से उस बात को बीच में रखो और उस प्रस्ताव को जनता के द्वारा मनवाइए। तो वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि नरमपंथी थे, नरम लोग थे, आदि ब्रिटिश भाषा बोलते थे, ठीक है। इसी के चलते दादा भाई नरोजी एक नरमपंथी थे, मगर उन्होंने और भी भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, यानी अपनी मांगों को मनवाने के लिए। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 1887 में इन्होंने क्या काम किया। अभी उदारवादी बात चल रही है, कभी आप सोचें 1887 में हुआ क्या, 1887 में अपनी मांगे मनवाने के लिए ब्रिटेन में, कहाँ पर, ब्रिटेन में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। किसकी, भारतीय सुधार समिति की, भारतीय सुधार
समिति की स्थापना की अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ठीक है अपनी। और दादा भाई नौरोजी जी तुम्हें पता है धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, क्या कहा था, धन का निष्कासन सिद्धांत। तो अपनी इन्होंने क्या करा, धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया, ठीक है। इन्होंने ये वही दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने किसका, भारतीय सुधार समिति, दादा भाई नौरोजी नौरोजी ने स्थापना कहाँ पर की, ब्रिटेन में, कहाँ पर की, ब्रिटेन में, कि अपनी मांगों को प्रस्तुत कराने के लिए, अपनी मांगों को मांगने के लिए इन्होंने स्थापना की। परंतु राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था, राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो कांग्रेस का, कांग्रेस का जो स्वरूप था वो क्या बनकर रह गया, धर्म पंथ बनकर रह गया, क्या बनकर रह गया, धर्म निरपेक्ष दल बनकर, ये धर्म पंथ में कह सकते हो इसको। यानी कि ये जो चरण था पहला, कांग्रेस का जो पहला चरण था उदारवादी चरण, ये किस तरीके से रह गया, धर्म निरपेक्ष बनकर रह गया, धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष बनकर रह गया। अब आप सोच रहे हो सर धर्म निरपेक्ष कैसे बोला है आपने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का पहला चरण था जिसे हम उदारवादी चरण के रूप से जानते हैं 1885 से लेकर 1905 तक जो लेकर मानते हैं बात को, तो ये जो बात होती है कैसी थी, ये बात थी आपकी उदारवादी चरण, यानी कि धर्म निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष की अगर हम बात करके चलें तो थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा, जब हम समझेंगे क्या था धर्म निरपेक्ष, क्या था धर्म निरपेक्ष उसको देखेंगे जब बात बनेगी क्या था। तो मैंने बताया कि पहला चरण जो था उदारवादी चरण जो था वो क्या बनकर रह गया, वो रह गया धर्म निरपेक्ष बनकर, क्या बनकर रह गया, धर्म निरपेक्ष। तो प्रथम चरण क्या बनकर रहा, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष बनकर रहा। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पर अध्यक्ष का पद दिया गया, जैसे जिसके चलते पहली बात अगर हम करें तो 1886 में इन्होंने प्रथम पारसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, प्रथम पारसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। और वो कौन थे तुम्हें पता है सब लोगों को, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो बताओ ये मेरी बात गलत नहीं है ना, क्यों नहीं है गलत, क्योंकि पारसी प्रथम बन गए, 1987 में प्रथम मुस्लिम। अगर बात करें इसका उदाहरण मैं देऊँ तो आपको 1887 में प्रथम मुस्लिम बना दिए, और वो कौन बना दिए, बदरुद्दीन तैयब जी बना दिए, ठीक है। अगर हम 88 में बात करके देखें, 88 में बात करें 1888 में, तो जल्दी बताइए 1888 में कहते हैं प्रथम ईसाई कौन थे, प्रथम ईसाई बना दिए, ठीक है, ईसाई बना दिए प्रथम ईसाई। और ईसाई कौन थे, प्रथम ईसाई जॉर्ज यूले। अब आप इन तीनों में एक बात बताइए कि तीनों जो थे पारसी मुस्लिम ईसाई जो थे, ये एक धर्म के रूप में बने। इस वजह से प्रथम चरण को जो माना गया वो क्या माना चला गया, धर्म निरपेक्ष चरण माना गया इसको। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था द्वितीय चरण के उग्रवाद होने का ये भी एक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, ये कारण हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या। यदि हम बात करके चलें कि प्रथम चरण जो हमारा बना, तो प्रथम चरण बनने का मतलब था उदारवादी लोग थे, सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, समाचार संपादक थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, दर्शन शास्त्री थे, लेखक थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो पहला चरण उनको ऐसा लगा कि केवल पढ़े लिखों का संघ है, और कांग्रेस का मतलब भी वैसे यही होता है कि पढ़े लिखे लोगों का संघ, ठीक। और इसमें इन्होंने इसी चरण को 1885 से लेकर 1905 के चरण को जो है इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष बनाकर छोड़ दिया। और धर्मनिरपेक्ष बनाकर क्या छोड़ा, धर्मनिरपेक्ष बनाकर छोड़ा कि 86 बना दिए प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, फिर प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष जो बने वो बने बदरुद्दीन तैयब, और 1888 में प्रथम ईसाई बना दिए जिनका नाम जॉर्ज यूले। इस तरीके से उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता की बात चल रही है, और उच्च वर्ग के लोगों को यहाँ पर मान्यता मिल रही है। इसी बीच हमारा द्वितीय चरण शुरू हो जाता है, और पहले उस द्वितीय चरण को देख लेते हैं, क्या है द्वितीय चरण, फिर उसके क्या कारण है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं द्वितीय चरण कहाँ से आया। तो ये था प्रथम चरण में जिसमें कुछ घटनाएं घटी, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, केवल सब 1905 1903 सब बताएंगे, टेंशन ना लो।
पहला चरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि द्वितीय चरण आपके लिए मोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा वीवीआईपी हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो दूसरी बात अगर हम करें तो वो द्वितीय चरण जो था वो क्या था, द्वितीय चरण इसकी डेट जो है वो याद रख लेना 1905 से लेकर 1919, 1905 से लेकर 1919। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने 1905 तक तो कोई बात बताई नहीं, सब करेंगे क्लियर। ये था द्वितीय चरण। अब देखिए ये जो चरण था, सबसे पहले ये कि इस चरण को आने की क्या थी, ये चरण है क्या, पहली बात तो ये कांग्रेस के अंदर ही एक नया गुट उभर कर सामने आया, यानी कि कहाँ, कांग्रेस के अंदर से ही एक नया गुट उभर कर आया सामने। और उस गुट का क्या था कि जिसे हम क्या था उदारवादी नीतियों का जिन्होंने आलोचना की थी, यानी कि ये गुट क्या काम करता था उदारवादियों की आलोचना करता था, ठीक है। और जिसमें उग्रवादी या अतिवादी, इस नए गुट को क्या नाम दिया गया, इसका नाम क्या बना, उग्रवादी या अतिवादी कहा गया, इसे क्या कहा गया, अतिवादी, ठीक। 1905 में बना ये, ठीक है नहीं। और अगर बात करें कि इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें कौन थे, वाल, दूसरे में पाल, तीसरे में लाल। तो बाल पाल लाल सुना होगा, ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक। अभी कहानी बनेगी कि क्यों बने, ठीक है, क्यों बना ये दल। फिर बिपिन चंद्र पाल और फिर लाला लाजपत राय, ठीक। और इसके अतिरिक्त जैसे अरविंद घोष, ठीक है, ऐसे भी स्थानीय नेता जो थे वो और भी इसमें शामिल रहे। और इनका जो लक्ष्य था वो क्या था, स्वराज प्राप्ति करना इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था। और स्वराज प्राप्ति के साथ क्या करना था, उद्देश्य क्या था कि देश को आज़ाद कराना। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ये क्या था, ठीक है, आराम से समझो कि पूरी कहानी पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या चल रही थी। देखिए द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं, 1905 से 1919 तक रहा। इस चरण में कौन लोग थे, क्या था ये चरण, पहले वो देख लेते हैं, फिर बताएंगे क्यों बना, फिर क्यों का जवाब भी मैं दूंगा, क्योंकि मुझे जब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब क्यों का जवाब मिलता है। तो देखिए कांग्रेस के अंदर एक नया गुट उभरा, जब कांग्रेस विनय प्रार्थना करके कांग्रेस के लोग, उदारवादी लोग और धर्म के तरफ जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये लोग विनती प्रार्थना करके अंग्रेजों से बात बनवा रहे हैं और अधिवेशन बुलवा लेते थे और फिर वह प्रस्ताव पारित करके आप ही लोग सारे, और बाद में जनता को सूचित करते थे, जनता को बाद में बताते थे कि कुछ इस तरीके से हमने काम कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल उन्हीं के अनुसार जो है देश चलना, वह अपने अनुसार देश चलाना चाह रहे थे। और ये क्या था कि कुछ युवा वर्ग की जो पीढ़ी थी, उन्हें लग रहा था कि भाई इस तरीके से काम चलेगा तो शायद हम कभी भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कभी भी हम स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के अंदर ही जो शामिल हुए थे उसके अंदर ही नया गुट बनकर आ रहा, जो युवा पीढ़ी थी जिनका खून बिल्कुल गर्म था, ठीक है, और उदारवादियों की उन्होंने आलोचना करी, भाई ये विनती प्रार्थना काम नहीं चलेगा, हमारा मतलब है स्वराज्य की प्राप्ति करना, अपने राज्य को प्राप्ति करने का, हमें स्वतंत्र कराने का, और विनती प्रार्थना से कभी कुछ नहीं होने का, समझ गए नहीं। अब उग्रवादी ने अतिवादी कहा गया, और वो थे कौन कौन, अगर उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई तो बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे, और इन्होंने स्वराज की रक्षा था। अब कारण कुछ तो हुआ होगा, क्या होगा भैया, कुछ कारण बना होगा इसका कि ये द्वितीय चरण में उग्रवाद दल बना, तो उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जरा। अब आप अपने जो नोटबुक बनाए रखी है आपने, तो उसमें आप सबसे पहले देखो कि कारण क्या हो सकते हैं इसके, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, कारण करके लिख लेना। तो इसके बनने के कारण क्या है, ये तो पता चल गया कौन कौन शामिल थे, तो अब यहाँ पर कारण लिखेंगे आप इसके कि कारण क्या थे। मैं आपको ऐसे कारण बताऊंगा जो कि आपने कभी ना माने हो, यानी सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियाँ थी कारण, यानी क्या कारण थी, सरकार द्वारा
जनता को भड़काने वाली नीतियां क्या थी? नीतियां। अब मैंने तो एक लाइन खत्म कर बोलकर काम खत्म कर दिया कि जनता को भड़काने वाली नीतियां थी सरकार की, क्या इतना ही कारण बना होगा? अब वो नीतियां क्या थी? जैसे कि हम एक नीति का बात करें, बर्नाकुलम प्रेस एक्ट, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, एक ये कारण था। यहाँ प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी। कब हुआ था ये? 1878। कब हुआ था? 1878 में। याद रखोगे, कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है। फिर विश्वविद्यालय अधिनियम दूसरा कब बना था? क्या था? विश्वविद्यालय अधिनियम ये हुआ। ये कब हुआ था पता होना चाहिए? कब हुआ था? ये हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। और एक कारण कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन भी था। बंगाल विभाजन भी था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। क्या इतने कारणों से कोई गर्म दल बन जाएगा? क्या कांग्रेस में विवाद हो जाएगा? कांग्रेस में नरम दल के लोग से हटकर गर्म दल वाले बन जाएंगे इतने कारण से? ये तो पुराने कारण थे जिससे कि जनता भड़की थी। युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या चल रहा था? ठीक है, युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या चल रहा था? कितना वो? ठीक, युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या चल रहा था ये पता आपको होना चाहिए। युवा पीढ़ी के दिमाग में चल रहा था जो तत्कालिक कारण है, वो तत्कालिक कारण क्या थे? तो ये तो कारण हो गए। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। अब कुछ और भी तो थे जो तात्कालिक कारण थे, और वो कारण क्या थे अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो यह था कि इटली ने इथियोपिया को पराजित कर दिया था। क्या कर दिया था? इटली को जानते हो? इटली ने किसे हरा दिया था? इथियोपिया को, जो कि बहुत पावरफुल देश था इथियोपिया, और इटली ने उसे हरा दिया। सॉरी, इथियोपिया ने इटली को हरा दिया। सॉरी, चलो ऐसा लिख लेते हैं, इथियोपिया ने इटली को हरा दिया था, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जापान छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश है जापान, और जापान ने किसे हरा दिया था? रूस को। जापान ने हरा था। दूसरी बात जो है जापान, इसमें सीधा करके लेता हूँ, कभी तुम पढ़ने में गड़बड़ कर जाओ। क्या था कि इटली को इथियोपिया से हार, इटली को इथियोपिया से हार का सामना करना पड़ा। तो लोगों को पता चला कि यार इथियोपिया छोटा देश है, उन्हें इतने बड़े देश इटली को हरा दिया। फिर दूसरी बात ये कि जो जापान देश था, जापान ने किसे हरा दिया? रूस को हरा दिया। तो सोचा कि यार जन आंदोलन हो रहे थे यहाँ पर, जनता के आंदोलन होते थे, तो उनके दिमाग में जो युवा पीढ़ी थी उनके दिमाग में चल रहा था ये कि अगर हम भी अगर जन आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी ब्रिटिश सरकार पर कब्जा कर सकते हैं। इसके चलते चलते आयरलैंड, चीन, तुर्की, इसके चलते चलते क्या हुआ था? आयरलैंड, चीन और तुर्की, इन देशों में भी क्या हो रहे थे? जन आंदोलन हो रहे थे। इन देशों में भी क्या हो रहे थे? जन आंदोलन हो रहे थे, जिसके चलते जन आंदोलन चलते जो है वहाँ के इन देशों को स्वतंत्रता मिल गई और यहाँ पर सरकारों को उन्होंने झुका दिया। तो युवा पीढ़ी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलना शुरू हो गया, युवा पीढ़ी के दिमाग में चलना ये शुरू हो गया कि विनती प्रार्थना बिने में से कुछ नहीं चलने वाला, इससे कुछ चलने वाला नहीं है। क्यों चलने वाला नहीं है? क्योंकि अगर हम इसे इस तरीके से चलाएंगे, तो शायद हमारे साथ एक कंडीशन बन जाएगी कि हम केवल गुलाम बन के रह जाएंगे, और अगर हम जन आंदोलन करेंगे तो शायद हम आज़ादी जल्दी ले सकते हैं। इनके दिमाग में चल रहा था। उन्होंने कहा नरमपंथी लोगों से, तो नरमपंथी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक अपना अलग गुट बना रहे थे, और उन्होंने उनसे अलग होने का वादा किया। फिर कुछ कारण ये भी थे कि 1896 से लेकर 1900 तक, 1896 से लेकर 1896 से लेकर 1900 तक जो थे वो भयंकर अकाल पड़ा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं करा भारत के लिए। लोग भूखे मरते रहे, प्यासे मरते रहे, मगर ब्रिटिश सरकार के कानों पर तनक भी जूना रहेंगे। और इस चीज़ से जो है यहाँ का युवा दल जो था, युवा पीढ़ी जो थी, वो ज़्यादा चिंतित हो गया। इसके बाद में एक और घटना घटी, 1877 में
दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार। चलिए वो उस टाइम पर तो नहीं थे, उस टाइम पर वो लोग नहीं थे कि वो जान सकते थे कि क्या होता दिल्ली दरबार, ये भव्य स्वागत होता था, वहाँ से लोग आते थे। परंतु घटना जो घटी द्वितीय दिल्ली दरबार, यानी कि 1903 में जो बना द्वितीय दिल्ली दरबार, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के अंदर आग इन्होंने लगा दी कि अकाल का देश जूझ रहा है, भयंकर अकाल चल रहे हैं, फिर भी ये जो ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं उनके स्वागत में लगे हुए हैं, इनके स्वागत में लगे हुए हैं और ये दिल्ली दरबार पर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, थोड़ी दे देता हूँ, तीन दिल्ली दरबार हुए थे। पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1877 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में हुआ था। ये तीनों दिल्ली दरबार आप याद रख लेना। तो ये कहीं ना कहीं कारण बने कि और भी कुछ कारण थे। अब इस बीच में क्या हुआ कि इस बीच में कांग्रेस से जो है लोगों का मन हट गया था, कांग्रेस से लोगों का क्या हो गया था, मन हट गया था। लोग कांग्रेस के पास जाना नहीं चाहते थे और लोग कांग्रेस को जो है बड़े पैनी नजर से देखते थे। कुछ भुक्कड़ों का समिति बताता था कोई, कोई उन्हें कहता था कि अमीर लोगों का गुलाम है, कुछ गीदड़ों का समूह बनाता बताता था। सब लोगों ने अपने अपने मत से बात करी। अब उदारवादी लोग से अलग होकर उग्रवादियों को भी क्या चाहिए थी, एकजुटता चाहिए थी। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन को धार्मिक आंदोलन से जोड़ा और उन्होंने सोचा कि अगर जनता को इकट्ठा किया जाए, जनता को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अब जनता सुनने वाली तो है नहीं कांग्रेस की, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने प्रथम चरण में कुछ नहीं करा, तो उग्रवादी क्या करेंगे हमारे लिए। मगर उग्रवादियों का लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता को प्राप्त कराना, स्वराज्य की प्राप्ति करना था। उन लोगों ने क्या काम करा कि भाई कुछ तो कह जाए, तो इनमें सबसे चीप जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। उनके दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना हम किसी त्यौहार की स्थापना करें और जो धार्मिक लोग हैं, जो निम्न तबके के लोग धार्मिक हैं, उनके लिए कुछ त्यौहार बनाएं, जनता वहाँ एकजुट होगी, हम उनसे अपने विचार रखेंगे और शायद हम जनता की आवाज़ बन सकें, हम जनता की आवाज़ बन सकें। उन्होंने कहा ठीक। इसी के उपलक्ष्य में 1893 में, ये डेट याद रखना, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की, गणपति महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की। तो प्लानिंग तो बहुत पीछे से लेकर आ रहे थे लोग कि जनता को इकट्ठा कर रहे थे इस टाइम पर, क्योंकि इन उनका विचार तो शुरू से चल रहा था कुछ ना कुछ। और इन लोगों ने जनता को एकजुट करा और एकजुट करने के बाद में नरमपंथी लोगों को बताया और गर्मपंथी लोगों के बारे में बताया कि हम ये करना चाहते हैं और नरमपंथी लोग ये करना चाहते हैं। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि 1905 में हो गया बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन इनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट बना, कि उन्होंने बताया कि देखिए कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद भी, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की बातों को रखते हुए भी, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया, परंतु कांग्रेस ने कुछ नहीं कही। जो उदारवादी तबके के लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उदारवादी लोगों ने ब्रिटिश सरकार से पूछा कि बंगाल विभाजन करने का कारण क्या है, तो कांग्रेस वालों से ब्रिटिश सरकार ने बताया कि प्रशासनिक बल बड़ा हो रहा था, जिससे कि प्रशासनिक बल नहीं चल रहा था, और हमने इस वजह से इसका विभाजन कर दिया। अब यहाँ पर दो गवर्नर जो है यहाँ देख रेख करेंगे प्रांतीय। परंतु कारण ये नहीं था। अगर ऐसा कारण होता तो पश्चिम और पूर्व में क्यों बटा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल ज़्यादा थे, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश के रूप में आज जाना जाता है और कभी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था 47-48 में, परंतु आज 71 के बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कभी वो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था जिसे बंगाल विभाजन किया। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम और हिंदू का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो है वो मुस्लिमों के पेट में बढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा था कि आप अलग हो जाओ, आपको हम जैसे कांग्रेस हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी प्लानिंग क्या थी। ब्रिटिश सरकार के लिए अब मुस्लिम लीग की स्थापना भी और बंगाल विभाजन का विरोध मुस्लिमों ने क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये था। उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन कर देंगे तो मुस्लिम तो एक हो जाएगा। अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं किसी भी एक मुस्लिम को बात छोड़कर किसी और मुस्लिम को जो है कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं थी। फिर मुस्लिमों के लिए नरम दल वालों ने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि शिवाजी महोत्सव बना दिया, ठीक है गणपति महोत्सव बना दिया, वो भी हिंदू समुदाय के लिए बना दिया, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। तो हम आपके लिए जो है तुम अपनी एक पार्टी बनाओ और हम आपके लिए जो है अलग पृथक निर्वाचन चुनाव की हम एक प्रथा देंगे आपको, जो कि तुम अपने नेताओं को अपने ही वोटों से चुन सको, अपने नेताओं को अपने वोटों को चुन सको। अब इस चीज़ को देखकर कांग्रेस कुछ ना कर सकी और मुस्लिम लीग भी बन गई
और बंगाल का विभाजन भी हो गया, कांग्रेस कुछ ना कर सकी। इस चलते जो है बाल बाल पाल जो थे, कर्मपंथी दल जो के लोग जो थे, उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ। और बर्दाश्त बिल्कुल ना होने के कारण 1907 में सूरत अधिवेशन जैसे उन्होंने बुलाया, कांग्रेस वालों ने सूरत अधिवेशन यानी गुजरात में जब उन्होंने अधिवेशन बुलाया, गरम दल वाले लोगों ने कहा कि ऐसा है अब जो है हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ये प्लानिंग हो रही है, मैं आपको इसकी स्टोरी टाइप बता रहा हूँ, और हम जो है आपसे अलग होना चाहते हैं। इस तरीके से जो है मतलब गरम दल का अलग होना एक कारण ये बना, बहुत सारे कारण यह थे। तो अब आज तक मैंने आपको केवल ये बताया कि नरमपंथी लोग क्या थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। कल जो हम बात करेंगे अपने नए सेशन में, वो हम करेंगे तृतीय चरण या गांधीवादी युग, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन क्या था, क्यों हुआ, क्या इसका कारण था, स्वदेशी आंदोलन क्या था, क्या बना और क्यों इसके कारण थे स्वदेशी आंदोलन के, फिर स्वदेशी आंदोलन मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, मुस्लिम लोगों को किस तरीके से कन्वेंस किया, ठीक है, सूरत अधिवेशन में कैसे नरम दल गरम दल अलग हुए, ठीक है, सूरत अधिवेशन कैसे नरम दल गरम दल अलग हुए कि उन्होंने किस तरीके से काम करा, 1908 में किस तरीके से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन चुनाव की संज्ञा दी, 1909 के अधिवेशन को माल्य मंटे सुधार कहा गया, 1909 के माल्य मंटे सुधार में कहा गया उसको, और उन्होंने कहा कि हम सचिव को एक सुधार के रूप में बना के भेजेंगे, परंतु 1909 में भी कुछ हासिल ना हो पाया, और 1909 में कांग्रेस को सोशल कर दिया कि हाँ मुस्लिम पृथक चुनाव निर्वाचन करेंगे 1909 में, ये वो सोशल कर दिया। परंतु उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद में क्या करा नरम दल ने, क्या करा गरम दल ने, इसकी बात जो है हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नए सेशन की तरह इसी स्टोरी टाइप से। ऐसे ही आप इतिहास को समझने के लिए अपने चैनल को इसे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।